मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज चल रहे हैं हम बच्चों के स्कूल, वहाँ है आज उनका एनुअल फंक्शन, तो यहाँ से स्वीटी को बिठा लेंगे और इसके बाद पहुँचते हैं हम स्कूल। तो चलिए हम बच्चों का दिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जो बच्चे तैयार करते हैं। तो अभी तक क्या था, कोरोना की वजह से 3 साल ये एनुअल फंक्शन इनका नहीं हुआ है, तो ये 3 साल बाद हो रहा है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और मैम जो है वेलकम करने के लिए खड़ी हुई थी पेरेंट्स का, तो इन्होंने बिठा दिया है मैम ने, और इसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे। और यहाँ पर अभी जब हम लोग पहुँचे थे तो सीटें खाली है क्योंकि अभी उतने लोग आए नहीं थे। और इनके चीफ गेस्ट जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो थे और हमारे यहाँ के चेयरमैन थे, तो बस यही लोग, इन्हीं लोगों का इंतज़ार हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा अभी सेल्फी मोड में बनाया है क्योंकि पीछे कोई बैठा नहीं था, और जब कोई बैठ जाता है या और हाँ मतलब, तो फिर मैं सेल्फी मोड में अगर मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ तो पीछे वालों की अपने आप आ जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने अभी तो फ़िलहाल बना ली, लेकिन मैं फिर बाद में नहीं बनाऊँगी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली सीटें हैं और हम लोग ही, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सबसे फ्री मम्मियाँ हों जिनके पास कोई काम नहीं है, काम धाम नहीं है, बस पहुंच गए मुंह उठा के, ऐसा लगा मुझे वहां जाके। फिर इसके बाद जब देखा तो थोड़ी देर बाद सारी मम्मियां जो है मुंह उठा के आ चुकी थी, और पापा लोग कम थे क्योंकि वर्किंग डे था, तो सब ज़्यादातर पापा लोग काम पे चले गए, मम्मियाँ ही फ्री होती हैं तो वो तो अपना काम धाम छोड़ के भी चली जाती हैं। ये देखिए अब भीड़ हो गई है और इनके चीफ गेस्ट जो आ चुके हैं ये विभूषण राजपूत जी हैं, गुड्डू भैया जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, और यहाँ के जो सम्मानित वो हैं पर्सन, वो सभी यहाँ पे मौजूद होते हैं इनके स्कूल में। तो सब जो चीफ गेस्ट हैं इनके वो आ चुके हैं और थोड़ा सा इनका जो स्वागत सत्कार होगा, वेलकम किया जाएगा, तो बुके वगैरह जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और ये ब्लैक शर्ट में इनके प्रिंसिपल हैं बच्चों के, और ये जो अभी खड़े हुए हैं ना ये हैं विधायक, तो गुड्डू भैया। इसके बाद ये देखिए, मैंने आपको गाना नहीं सुनवाया है, ये देवश्री गणेशा हो रहा है और ये दोनों इनके डांस टीचर हैं, तो ये सबीना मैम और अंकित सर ये इनके डांस टीचर हैं। तो सबसे पहले जो कार्यक्रम का आगाज़ है वो इन्होंने डांस टीचर ने ही किया था, और ये देखिए और ये अभी छोटी छोटी सी बच्चियां जो डांस कर रही थी वो प्ले ग्रुप की थी, तो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं भूल जाती हैं, तो उनके जो डांस टीचर हैं वो सामने से खड़े होकर डांस करते हैं, फिर इसके बाद बच्चे डांस कर पाते हैं। और ये हमारे यहाँ के इनके स्कूल के ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिनको पोजिशन के अवार्ड दिए जा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजिशन वाले, और तो ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं साल भर। देखिए संयोग पहुँच चुके हैं और ये संयोग, ये देखिए ये आ गए हैं इस तरफ, और ये इनको अवार्ड दिया जा रहा है। और इनको 2 अवार्ड मिले थे, एक ये वाला मिला था पोजीशन वाला, और एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी संयोग को ही मिला था। और ये एक्टिव रहता है ज़्यादातर स्कूल में, जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, और शर्माता भी नहीं है, थोड़ा सा एक्टिव रहता है, तो स्कूल वाले थोड़ा सा आगे करके रखते हैं इसको। और गुनगुन ने भी बचपन से ही वहाँ, मतलब जितने से 3 साल से स्कूल गई है, अब इस साल वो 11th में है, और मतलब इतने सालों, जिस साल मतलब ये इनका स्कूल पहली साल जब ये खुला था, ओपन हुआ था स्कूल, तो पहला मतलब प्ले ग्रुप में एडमिशन मेरी गुनगुन का ही हुआ था, तो अब 11th में है गुनगुन, और ये स्कूल 12वीं तक ही है, तो बस 1 साल और वो यहाँ पढ़ेगी और इसके बाद बस वो छोड़ देगी स्कूल। और ये देखिए ये अपना लेके चले आ रहे हैं, और इनको बहुत ये मतलब डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहता है, इसको बुलाया था तब आया था, नहीं तो इनका ये होता है कि सर ने जहाँ बिठाया कि आप यहाँ बैठेंगे तो वो वहीं बैठेगा।
और इसके बाद देखिए ये जो इनकी सबीना मैम है उनकी प्रस्तुति। अब फिर से अवार्ड दिए जा रहे हैं तो फिर से संयोग आके खड़े हो गए हैं और अब ये खड़े हो गए हैं रेड कुर्ते में। इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस है तो और पहले ये अवार्ड ले लेंगे फिर इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस होगी, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि। और इनकी और गुनगुन की लड़ाई भी बहुत होती थी, इस बार इनको एक बार में दो ही मिल गए और 3 साल से अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है। के बाद इस बच्ची की परफॉर्मेंस देखिए आप, बहुत ही सुंदर डांस किया था इस बच्ची ने निगूरा निगूरा कर, तो देखिए छोटे छोटे से बच्चे हैं और अपने बच्चे हैं, अभिभावक ही देख रहे हैं। और अब अदिति की परफॉर्मेंस तो देखिएगा और बताइए ज़रूर कैसी लगी इसको, क्योंकि डांस का बहुत शौक़ है, मतलब इसको ज़्यादातर सारी एक्टिविटी करने का शौक़ है, जैसे कि आपको पता ही है कि ये गाता भी है और बजाता भी है और डांस तो और डांस भी कर लेता है। तो आज मैं आपको इसका, वैसे कई बार मैं इसका डांस भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो डांस भी करता है और कॉमेडी भी बहुत अच्छी करता है ये। आप लोगों ने कभी अभी कॉमेडी नहीं देखी है, स्कूल में इसकी कॉमेडी के में भी विनर हुआ था ये, तो ये हप्पू सिंह बना था और इसने बहुत अच्छी कॉमेडी करी थी हप्पू सिंह की। तो ये ऐसे करता रहता है, ज़्यादातर स्कूल में एक्टिव रहता है, इसीलिए इसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो चलिए देखते हैं और आनंद लेते हैं।
चलिए आज का प्रोग्राम यहाँ ही समाप्त होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें बच्चों के लिए। तो बाय बाय दोस्तों।